हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे RS 400 के बारे में। बेसिकली इस बाइक के बारे में सब कुछ जानेंगे। मेरे पास इतने कमेंट आए थे आप लोगों के कि हर दूसरा तीसरा कमेंट आप लोगों का सिर्फ इसी बाइक के बारे में जानने के लिए था। 2 से 3 दिन मुझे लगे इस बाइक की न्यूज़ निकालने में। मैंने हर वेबसाइट पर पढ़ा है, जितनी भी मुझे नॉलेज या फिर जितनी भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ, और होप करता हूँ बजाज से कि आप लोगों को ये बाइक बहुत जल्द इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगी। बेसिकली सब कुछ जानते हैं इस बाइक के बारे में। अगर इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है कर लो, कोई भी क्वेश्चन हो DM कर देना, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। आप लोग ये बात तो जानते हो कि कंपनी ने इसको इस बाइक को ऑटो एक्सपो में काफ़ी पहले शोकेस किया था, और उस वक्त काफ़ी ज़्यादा लोग इस बाइक के फ़ैन हो गए थे। बट कंपनी ने जब RS 200 को लॉन्च किया तो उसके साथ में RS 400 को लॉन्च नहीं किया। अगर उस वक्त कर दिया होता तो आज शायद हम लोग इस बाइक का इंजॉय कर रहे होते। बट क्या रीज़न था, किस वजह से नहीं किया, वो सब तो बजाज ही जानता है। बट अब हम बात कर लेते हैं इस बाइक के बारे में, कुछ फीचर्स, प्राइस, लॉन्च डेट के बारे में बात करेंगे। इस बाइक में आप लोगों को सेम डोमिनार वाला इंजन मिलने वाला है। 373 cc का सिंगल सिलेंडर DOSC इंजन, जो कि BS6 कंप्लाइंट के साथ आप लोगों को मिलेगा इंडियन मार्केट के अंदर। उसके साथ में आपको फ्यूल इंजेक्टेड प्लस लिक्विड कूल्ड। बजाज की ऑलमोस्ट अब जितनी भी बाइक्स आने वाली है आपको फ्यूल इंजेक्टेड ही उसके अंदर मिलेगा। इस बाइक का जो इंजन है वो बिल्कुल सेम डोमिनार जैसा है, तो उसमें आप लोगों को कोई वो नहीं। लेकिन हाँ, आप लोगों को इस बाइक के अंदर पावर थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा डोमिनार से। लाइक जैसे आपको NS 200 में थोड़ा कम पावर मिलता है और RS 200 में थोड़ा ज़्यादा पावर मिलता है, ये उसी तरीके का हिसाब किताब होने वाला है। क्योंकि ये बिल्कुल एक स्पोर्ट्स बाइक होने वाली है, जो कि मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आने वाले टाइम में पल्सर सीरीज़ की सबसे ज़्यादा बड़ी बाइक यही होगी, जो होगी RS 400। जब आपको इस ऑटो एक्सपो में इस बाइक को शोकेस किया था तो इसका नाम उस वक्त सुपर स्पोर्ट्स 400 था। बट नाम चेंज हो सकता है, देखते हैं। मुझे लगता है कि RS 400 ही रखा जाएगा। बेसिकली इस बाइक के अंदर आप लोगों को 40 to 42 BHP का पावर मिलेगा। अभी की जो डोमिनार है वो लगभग 40 BHP का पावर प्रोड्यूस करती है और 35 Nm का टॉर्क, तो पावर बढ़ के थोड़े मिलने वाला है। मतलब 1 से 2 BHP का ज़्यादा फर्क आप लोगों को मिलेगा इस बाइक के अंदर, और 30 to 5 Nm का टॉर्क मिलेगा, जो कि आपको सेम एज डोमिनार मिलता है। लुक वाइज अगर बात कर ली जाए तो ये बाइक एक फुल्ली स्पोर्ट्स बाइक है, जो कि फुल्ली फेयर में आप लोगों को मिलेगी। इस बाइक के अंदर न्यू ग्राफिक, न्यू कलर और एक बल्कियर बाइक वाला लुक मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों को बिल्कुल RS 200 जैसी ये देखने को मिल जाएगी। एडिशनल फीचर्स की बात कर ली जाए, लाइक USD फोक, मोनोशॉक एब्जॉर्बर, इस बाइक में आप लोगों को फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ही मिलेगा विद गियर इंडिकेटर, और भी जितने छोटे छोटे आप लोगों को फीचर्स बाइक प्रोवाइड कराएगी। डुअल चैनल ABS के साथ आएगी, और हो सकता है कि स्विचेबल ABS भी मिल जाए आपको। LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलेंगे, क्योंकि आप लोग ये बात जानते हो कि ऑलमोस्ट सारी कंपनियों ने अब हेलोजन से LED में कन्वर्ट होती जा रही है, तो इस बाइक में डेफिनेटली आप लोगों को LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प ही मिलेंगे। बात कर ली जाए इस बाइक की अगर टॉप स्पीड की, तो लगभग इस बाइक का टॉप स्पीड 170 प्लस होने वाला है, जो कि काफ़ी कमाल की चीज़ है। 170 बहुत ज़्यादा होता है। प्राइस की अगर अप्रॉक्सिमेट हम लोग बात कर ले तो आप लोगों को 2 लाख से लेकर 2,20,000 के आसपास ये बाइक पड़ने वाली है, और ये बाइक सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी बाइक होने वाली है अगर ये इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च हो जाएगी, जब तक हम लोग चाह रहे हैं। तो गाइज़, आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या ये बाइक बिल्कुल RS 200 जैसी होनी चाहिए या फिर इसको चेंज करना चाहिए? क्योंकि मेरे हिसाब से RS 200 काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड बाइक हो गई है अभी के टाइम में, क्योंकि वो काफ़ी टाइम पहले लॉन्च हुई थी, तो अब तो शायद आउटडेटेड हो। तो मेरे हिसाब से इस बाइक का यार लुक चेंज होना चाहिए। बाकी आप लोग मुझे बताना ज़रूर कि क्या आप लोग RS 200 का ही लुक चाहते हैं RS 400 के अंदर, या फिर बिल्कुल कुछ एक नया लुक मिले और एक 400 cc का इंजन। लॉन्च डेट की बात कर ली जाए तो इस बाइक का जो लॉन्च डेट है वो 2020 के मिड या फिर एंड में हो जाएगा इंडियन मार्केट के अंदर। तो गाइज, आप लोग अपनी राय ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में कि क्या लगता है आपको RS 400 में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, प्राइस क्या लगता है कि आप लोगों को प्राइस कितना रखना चाहिए इस बाइक का एक 400 cc के हिसाब से। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मुझे और कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं आप लोगों से जरूर शेयर करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।